हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल शिवानी स्टडी हब में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके एलिमेंट ऑफ बैंकिंग इंश्योरेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, जो आपका ये पेपर 2022 और 23 का है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 2021-22 के पेपर को डाला है, PYQ को, उसको आप देख लेना। इंपॉर्टेंट MCQ डाला है, कंप्लीट थ्योरी सेशन भी डाला है, वो सारी चीज़ें आप देख लेना। और कंप्लीट बैंकिंग बाय शिवानी स्टडी हब सर्च करना, वो मिल जाएगा, एंड कंप्लीट इंश्योरेंस, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ज़रूर देख लेना, क्योंकि वहाँ से आपके दोनों साल के पेपर से 80 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके तैयार हो जाएंगे और वहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, जनरल रिलेशनशिप बिटवीन जो बैंकर और कस्टमर के बीच में क्या होता है? तो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप नहीं होता है, ट्रस्टी एंड बेनिफिशरी नहीं होता, राइट ऑफ एजेंट, नन ऑफ दीज हो जाएगा। जनरल रिलेशनशिप की बात करें बैंकर और कस्टमर के बीच में, तो डेटर और क्रेडिटर का होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कल के एग्जाम में, तो याद रखना डेटर एंड क्रेडिटर, तो डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर सेकंड की यहाँ पर बात करें, प्रेजेंट RBI गवर्नर की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो विमल जलान, शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल की प्रदीप पर, तो प्रेजेंट RBI गवर्नर कौन सा है? दैट इज शक्तिकांत दास। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी बैंक्स वेयर नेशनलाइज्ड इन 1969 में? तो यहाँ पर 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फोर है, कौन डिटरमाइन करता है बैंक रेट? तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है यहाँ पर? बैंक रेट को डिटरमाइन करता है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, हु इशू 1 रुपी नोट? एक रुपी नोट कौन इशू करता है? तो रिजर्व बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, नन ऑफ दीज। तो कौन करता है? तो फिफ्थ का ऑप्शन हो जाएगा सेंट्रल बैंक, केंद्रीय सरकार 1 रुपये का नोट जारी करती है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, मेजर्स ऑफ सप्लाई इन मनी इंडिया कौन कौन से हैं? तो M1, M2, M3, 4 हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। सेवन है, NPA का मतलब क्या होता है? तो NPA इज़ क्या होता है? दैट इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर एट है, KCC क्या है? तो KCC क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर नाइन की यहाँ पर बात करें, तो प्लास्टिक मनी क्या है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड की, ऑल ऑफ दी अबव BNBC। तो प्लास्टिक मनी क्या है आपका? वो ATM कार्ड भी है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। तो ऑप्शन नंबर नाइन्थ का हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पर, दैट इज ABNC। क्वेश्चन नंबर टेन है, KYC क्या है? नो योर क्रेडिट, नो योर कस्टमर, नो योर कैश की ऑल। तो KYC स्टैंड फॉर नो योर कस्टमर। क्वेश्चन नंबर 11 है, डेबिट कार्ड का मतलब क्या होता है? पे लेटर, पे नाउ, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो डेबिट कार्ड का मतलब होता है अभी भुगतान करें, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, विच बैंक इज नोन एज बैंकर्स बैंक? बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो RBI, SBI, PNB की नबार्ड। तो RBI को कहा जाता है बैंकों का बैंक। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन से डिपॉजिट्स रिपेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड? तो वो कौन सा होता है? दैट इज बी, टाइम डिपॉजिट। 14 है, CRR का मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। तो 14 का आंसर ए। 15 है, EFT, देखिए काफ़ी फुल फॉर्म पूछे गए हैं, तो फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में कल के पेपर में बहुत पूछे जाएंगे, तो उसको देख लेना। EFT स्टैंड फॉर, तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच बैंक वॉज इंट्रोड्यूस फर्स्ट ATM मशीन इन इंडिया? तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा बैंक इंट्रोड्यूस किया गया था? तो HSBC बैंक, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, फुल फॉर्म ऑफ RTGS का फुल फॉर्म क्या है? तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTGS, 17th का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ चेक इन इज टॉर्न इनटू अ टू या मोर पीसेज एंड प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो इसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज मल्टी लेटेड चेक। नेक्स्ट है 19, हेड ऑफिस ऑफ RBI, तो हेड ऑफिस RBI का कहाँ पे है? तो इसका हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई। 20 है, IFSC स्टैंड फॉर, तो इसका मतलब क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोडी। 21 है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को कब एग्जिस्टेंस में लाया गया था? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को यहाँ पर, दैट इज केम इनटू एग्जिस्टेंस, ऑप्शन नंबर ए, 1949। 22 है, द सेंट्रल ऑफिस ऑफ LIC ऑफ इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये सेंट्रल ऑफिस ऑफ LIC की अगर हम बात करें, तो ये लोकेटेड है आपका मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चिल्ड्रन पॉलिसी ऑफ LIC? तो कौन सा है? जीवन सुकन्या, दैट इज डी। 24 है, हु बियर्स द इन्वेस्टमेंट रिस्क इन द केस ऑफ ULIP? तो 24 का आंसर हो जाएगा, दैट इज बी, इंश्योर्ड।
25 नंबर क्वेश्चन है, ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी को किस और नाम से जाना जाता है? तो दैट इज कवर पॉलिसी। 26 है यहाँ पर, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट ऑप्शन नंबर ए 1962 में। 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पर जो है फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन इंडिया है, तो यहाँ पर दैट इज 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओरिएंटल इंश्योरेंस। 28 है, व्हेन वाज लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को नेशनलाइज किया गया था? तो इसको नेशनलाइज किया गया था ऑप्शन नंबर बी 1956। 29 है, CBS स्टैंड फॉर द कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ठीक है 29 का हो जाएगा बी है यहाँ पर, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है। 30 है, CTS रिफर्स टू, तो ऑप्शन नंबर ए चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम, ठीक है तो 30 का हो जाएगा यहाँ पर ए आंसर। नेक्स्ट है 31, RBI को कब एग्जिस्टेंस में आया गया? तो देखिए यहाँ पर 1934 होगा, ये तो एग्जिस्टेंस में, 1935 एक अप्रैल को नेशनलाइज हुआ था, ठीक है तो RBI को एग्जिस्टेंस में 1934 ए ऑप्शन। 32 है, IRDA स्टैंड फॉर, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पर? तो इसका मतलब यहाँ पर होता है डायरेक्टली दैट इज़ सी, मॉनिटरी इंटरेस्ट। 34 है, यूनिट बैंकिंग को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर यूनिट बैंकिंग को कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ लोकलाइज्ड बैंकिंग। 35 है, सरेंडर ऑफ पॉलिसी इज नॉट एप्लीकेबल, नहीं होता है यहाँ पर, तो ए लाइफ इंश्योरेंस। 36 है, SIDBI है आपका, इस SIDBI का फुल फॉर्म याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो SIDBI यहाँ पर आपका अगर हम बात करें तो दैट इज़ अ डेवलपमेंट बैंक। 37 है, विच अकाउंट इज ओपन बाई द बिजनेस पर्सन, कौन सा अकाउंट ओपन किया जाता है? तो दैट इज़ अ करंट अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट है 38, बैंक प्लेज रोल इन द, बैंक की भूमिका क्या होती है यहाँ पर? तो इसकी भूमिका होती है डी, कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल मूवमेंट, फॉरेन करेंसी, ठीक। 39 है, कितने डिजिट्स होते हैं पिन में? 3, 4, 5, 6 की 6 होते हैं पिन। लास्ट क्वेश्चन है, NEFT रिफर्स टू, तो नेशनल इकोनॉमिक फंड ट्रांसफर, तो 40 ऑप्शन नंबर ए। तो टोटल आपके 50 2022 23 के पेपर और 21-22 के दोनों पेपर को आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना।